हेलो हवाई फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक है वो है, ये भी एक एडवांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने एक एडवांस स्ट्रक्चर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके मैं स्टेप वन बाय वन टॉपिक्स जो भी है डिफाइन करता जा रहा हूँ, उनको अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट रिटन में एंड आपके स्पीकिंग में आपको काम आती हैं। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग याद कर लेते हैं, इनका यूजेज समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इन नियर फ्यूचर, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, स्पेशली रिगार्डिंग ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। सो ओके, सो लेट्स डिफाइन देम। तो इसकी जो इन द प्रोसेस ऑफ की जो मीनिंग निकलती है, वो निकलती है के चक्कर में, इन द प्रोसेस ऑफ के चक्कर में। अब वो किसी भी चक्कर में हो, ठीक है, देख लें इन द प्रोसेस, स्ट्रक्चर देख लें आप इसका, इन द प्रोसेस ऑफ, उसके प्लस नाउन, अगर वर्ब आएगी तो वो जेरंड फॉर्म में आएगी, मीन्स वी फोर में आएगी। ठीक है, आफ्टर डेट कम्स सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं आप बोल लें। ओके, सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोगों को ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। क्या एडजेक्टिव आ सकती है, नाउन या जेरंड, वर्ब की जो फिर वर्ब की जो मीन फॉर्म है वी फोर। सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है, आप एग्जांपल देख लें, फिर तो हर बात क्लियर हो जाएगी। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही वेस्ट हिज मनी, ही वेस्ट हिज प्रीशियस टाइम। इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में वो अपना पैसा ज़्यान कर रहा है। इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में वो अपना कीमती टाइम ज़ाया कर रहा है। ओके, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही डज नॉट केयर पीपुल, इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में वो किसी की रेस्पेक्ट इज्जत नहीं कर रहा, किसी का ख्याल नहीं रख रहा। ठीक है, हमारी जो अगली एग्जाम्पल है वो है, इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ही वेंट एब्रॉड, तालीम के चक्कर में वो दूसरे मुल्क चला गया, वो बाहर चला गया। ठीक, हम बोल सकते थे, इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ही ज्वाइंड अ गुड एकेडमी, इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ही रीड्स मल्टीपल इंग्लिश बुक्स, इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग ही लिसन्स वेरियस इंग्लिश मूवीज। ओके, तो इस तरीके से, सॉरी मैंने मूवी बोल दिया, आप आइडियो बोल लेना वहाँ पर, फिर भी मूवीज में भी जो लिसनिंग होती है ना, ऑलमोस्ट हम क्रिकेट देखते हैं, मूवीज देखते हैं, मैं तो इतनी नहीं देखता, लेकिन जब भी कभी तो लिसनिंग तो होती है उनकी भी। इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ही तालीम के चक्कर में वो इंग्लिश मूवी देख रहा है, मूवीज देख रहा है, फिल्में देख रहा है, तालीम के चक्कर में वो बहुत सारी बुक्स, ढेर सारी बुक्स पढ़ रहा है, अपले ही रीड्स अपले थोड़ा बुक्स। ओके, इंग्लिश के चक्कर में वो बहुत सारी कसीर तादाद में बुक्स पढ़ रहा है। ओके, जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल वो है, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी ही विल ज्वाइन पॉलिटिक्स। ओके, पैसा कमाने के चक्कर में वो सियासत को ज्वाइन करेगा, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी ही विल ज्वाइन पॉलिटिक्स। आप बोल सकते हैं, वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेगा पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन सेंटेंस जो अच्छा बन रहा है वैसे ही बन रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के चक्कर में वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेगा, सियासत को ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं, अगर आप लोग कोशिश करें।
स्पेशली इनके स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, फिर इनकी जो ऊपर मीनिंग होती है, और थोड़ा सा आप एक आधा अपना सेंटेंस बना लें जिस तरह से आपको समझ में आए, लेकिन आप जब भी फेयर करें इनको बोलने की कोशिश करें तो इनको प्रॉपर वे से बोलें आप, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इनको यूज़ करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।